है माता जी? हमारे भाई के प्रधान मर बोले है। अच्छा, जब से ये घटना हुआ प्रधान आप लोग से कभी मिलने के लिए आए? नहीं आए सर। प्रधान की नौकरी जानी चाहिए, प्रधान ही जानी चाहिए सब। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर जनपद के भोजपुर गांव में, जहां पर आप बीते दो दिन पहले एक इसी गांव के रहने वाला एक व्यक्ति था जिसकी घटना को अंजाम दिया गया था उसके 10 दिन पहले, लेकिन मौत हुई है अभी परसों के डेट में, और उसके शव को ले आया गया घर पर। और रोड पर, पीछे रोड पर पोस्टमार्टम करके जब शव आया तो एम्बुलेंस में ही शव को रख कर लोग रोड पर रात भर खुले आसमान के नीचे सोए हुए थे। इंतज़ार था इन्हें दो दिन से, इन्हें इंतज़ार था कि कोई जिम्मेदार अधिकारी आए जो इनको न्याय दिलवा सके। मैं परिवार से थोड़ी सी बातचीत करूंगा और पूरे मामले की जानने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी महोदय जी यहाँ पर आए हुए थे और परिवार को पूरे तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी हो सकेगा उस अपराधी के ऊपर, उस आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये उनके भाई हैं, थोड़ा सा मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? रणजी। अच्छा, आपके भाई का? अरे माता जी, मारा नहीं है माइया, घर में घूसी घूसी मारा नहीं है माइया। न्याय दिलवाया जाएगा जो भी आरोपी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी जी ने भी कहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी। थोड़ा सा ये हमको बताइए माता जी, रुकिए थोड़ा सा, कि क्या कैसे मामला क्या था? आज से मैं सुन रहा हूँ कि 10 दिन पहले का मामला है, कब ऐसा हुआ था, कितना दिन हुआ, किस 12 दिन आज हो गए। अच्छा, कब कब मौत कब हुई है? परसों, परसों 5 बजे। कहाँ अस्पताल है? पाँच बजे मरना है। अच्छा, कौन? अच्छा, इनके भाई हैं आप? कब मौत कब हुई है उनकी? परसों? हाँ, परसों हुई। अच्छा, इसके पहले की घटना कब थी, कब उसने? इसके पहले की 21 तारीख को। 21 तारीख को। हाँ। अच्छा, क्या मामला था, किस मामले को लेकर ऐसा मामला हुआ? कुछ नहीं, कोई वही दोनों लोगों में थोड़ा सा झगड़ा 20 तारीख को हुआ शाम को, रात में। फिर ना को लेकर उन लोगों के बीच में विवाद हुआ था? पता नहीं, कोई पता नहीं। तो फिर अच्छा, थोड़ा सा विवाद हुआ शाम के वक्त। हाँ। और घटना को कब अंजाम दिया वो? 5 बजे 21 तारीख को सुबह 5 बजे वो सभी बंदे मारे घर के सोए थे। अच्छा, सोए हुए थे? हाँ। तो वो आपके घर में सीधा घुस गया? सीधा घुस गया। अच्छा, यही वो घर है? हाँ, वही घर है। इसी घर में? हाँ, उधर घर है। अच्छा, इसी घर में? हाँ। अंदर सोए हुए थे वो? अंदर सोया था। हम सब यहाँ पर, किसी से पूछा वगैरह था कि कहाँ? किसी ने वो घर में घुस के मार दिया, हम सबके उसके घर वाले मार रहे थे। कई लोग थे कि अकेले आए? नहीं, कई लोग थे, 4-5 लोग। वो था, उसका भाई, उसका पापा, उसकी मम्मी थी, उसकी माँ भी आई हुई थी। उसकी माँ भी आई हुई थी। कितना दूर घर है उस आरोपी का? उधर बीच में गांव, बीच में। अच्छा, ये नहीं पता चल पाया कि विवाद किस चीज को लेकर किया? नहीं, ये नहीं, वो पता नहीं चला कि क्यों विवाद हुआ था। नहीं नहीं नहीं, कभी और इसके पहले विवाद हुआ? नहीं, पहले नहीं, धमकी में कुछ नहीं। हम लोग थोड़ा घर के थे ना। अच्छा, आपके परिवार का ही था वो? परिवार नहीं, बड़े पापा का लड़का था। हाँ, कई लोग मिलकर आए हुए थे? हाँ, कई लोग मिलकर आए। आप लोगों के साथ ही मारपीट किए थे या सिर्फ? हम लोगों को, हमको भी मारे, हमारे घर वाले पूरे परिवार को भी मारे हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने फिर मुकदमा नहीं दर्ज कराया? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कह रहे थे, थाने में आप गए थे? हाँ, थाने में बोल रहे थे सुलह कर लो। थाने में आप गए थे? Yes, अच्छा, और कोई? सबसे छोटे आप हैं? Yes, थाने में आप लोग गए थे, क्या कह रहे थे? थाने में गए, कावलेला चौकी पर, थाने में गए, चौकी भेजे। कौन थाना आपका? थाना बसकारी। बसकारी चौकी भेजे, चौकी पे मुकदमा लिख गया। फिर कल बुलाएं काबुल, कहें सुलह कर लो, सुलह कर लो। जिस दिन बुलाए सुलह करने के लिए हमेशा बुलाएंगे। और प्रधान भी रहे, प्रधान भी सुलह करने के लिए कह रहे थे। अच्छा, प्रधान का भी लोग बता रहे कि प्रधान के ऊपर भी आरोप लग रहा है? हाँ, प्रधान उन लोगों के साथ में। प्रधान मरवौली? हाँ, प्रधान, प्रधान मरवौली है। कितने समय बीजेपी के नेता है, प्रधानो है। प्रधान के प्रधान ही जाए के चाहिए, हमारे भैया के मरवा। कैसे आप कह रहे हैं कि प्रधान ऐसा कुछ करवाए हैं? क्यों आपको प्रधान के ऊपर शक? वो दोनों जन्मे एकदम मिलल जुलल रहा है ना, हमेशा एकदम जैसे घर वाले ना रहा है ना, वैसे एकदम दोनों घर मिल के रहा है ना।
हाँ हमारे भाई के प्रधान मरवा बोले है। अच्छा जब से ये घटना हुआ प्रधान आप लोग से कभी मिलने के लिए आए? नहीं आए सर, प्रधान की नौकरी जानी चाहिए, प्रधान ही जानी चाहिए, सब कुछ जाना चाहिए, उनको भी जेल में रहना चाहिए उन लोग के साथ साथ, और सबको कारावास होना चाहिए और सबका जीवन कारावास हो चाहिए। कितने लोग थे, कितने लोग आए थे यहाँ पर? यहाँ पे चार जने आए लाने, उनकर मम्मी, उनकर पापा, अच्छे लाल, मनपत्ती, अमरेश, गुड्डू, चारों जने आए लाने। सुबह 5 बजे आपके घर में? हाँ हमारे घर में घुस के मरना है। हमारे मम्मी से पूछना है कि भैया जगलर कहाँ है, तो मम्मी हमारे बोलनी कि सूतल है घर में, अब सब ना जानत रहा है कि जाए के कुल मार दी है। हाँ ओकरे बाद घर में घुस के जाए के मरना है, ओकरे बाद आए कातन बारवा टंगिया फेंक के कि जाए के अपने भाईवा के बचावा, तब तक हमारे भाई मन के मारी ना उन्हें, हमारे मम्मी के मारन है। अरे मोर बहनी कहाँ गई? गांव के जो प्रधान, अच्छा प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान का नाम बा इंद्रेश निषाद, वो नेता भी रहना है पहले। हाँ अभी भी नेता है प्रधान का। अच्छा प्रधान कहाँ है, कुछ पता है? प्रधान हो नहीं लेके उड़ल है, उनकर घर टूटे की चाहिए, घर में सरकारी ताला लगे की चाहिए। बिल्कुल, प्रदेश सरकार बार बार ये दावे करती है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर चलता है, आखिर कब उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? और वो प्रधान जब से इस घटना को अंजाम दिया गया तब से वो प्रधान भी गांव से फरार है। तब से कौन से फरार है प्रधान? जब से घटना हुई तब से फरार है। जेल का सजा होनी चाहिए, जिंदगी भर के लिए कारावास होनी चाहिए। ये आप समझ सकते हैं कि गांव का जो प्रधान है, 5 भाई हैं, 5 उनका जेल होनी चाहिए, बापे को होनी चाहिए, महतारी को होनी चाहिए, बहन को होनी चाहिए, एक उनके पतोहू को होनी चाहिए, खेत जुताई हो चाहिए। जिलाधिकारी महोदय आए हुए थे आपके अभी, डीएम साहब, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कुछ बताया कि न्याय आप लोगों के साथ किया जाएगा? हमारे भैया बताइए, ये निवासिया रहना है, यहाँ से आलून घटावे भाई जल्दी से, नहीं तब इन तीनों भाई मन के मारे कहा था। अच्छा इस तरीके से कह रहे हैं? हाँ प्रधान धमकी दिला रहे हैं, प्रधान धमकी दिला रहे हैं, प्रधान कह रहे हैं सुलह कर लो नहीं तो अभी तुम लोगों को मारेंगे, तीनों लोग को। अभी भी पूरा परिवार भय में है कि आखिर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, फिर आगे चलकर फिर किसी घटना को अंजाम ना दिया जाए। हालांकि जिलाधिकारी महोदय आए हुए थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया इन्हें कि मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता हूं, जब तक आप कहेंगे तब तक आपको पुलिस प्रशासन की सुरक्षा दी जाएगी। वैसे फिलहाल देखिए आगे की जो कार्रवाई होगी, वो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी उस अपराधी के ऊपर, उस आरोपी के ऊपर। अच्छा ये लोग बता रहे हैं कि वो लोग ऐसे तरह के थे ही, अपराधी टाइप के थे लोग? हाँ 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 हाँ। अच्छा मारपीट वो अक्सर किया करते थे ना? हाँ उसको जान सहित कनो कनो के सजा करना दे दीवल जा, पूरा कतली पूरा गांव भर के नहा रहे भैया, अब हम धमकी दे रहे हैं, कनो कनो तो धमकी कान दे रहा है। हाँ पूरी गांव के। अच्छा इसके पीछे भी लोग सुने हैं कि मारपीट अक्सर लोगों से करते रहते हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं था? नहीं डरते उठते नहीं थे? नहीं नहीं, मारपीट करते कोई लेके दौड़ता है तभी कुछ डरते ही नहीं। हाँ वही उनका काम है। ये आप समझ सकते हैं पूरे मामले को कि क्या उस अपराधी प्रवृत्ति के वो लोग ही थे कि आए दिन ऐसे मामलों को वो घटनाओं को अंजाम देते रहते थे, लेकिन इस घटना को अंजाम वो भी अपने इनके परिवार की है, वो बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों के परिवार से ही था, लेकिन क्या छोटा सा मामला हुआ शाम के वक्त और छोटी बातों को लेकर इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया। मामला बहुत कुछ बड़ा नहीं था ना? कोई नहीं था, दोनों आपस में लड़ रहे थे शाम को, फिर सुबह रात में 5 बजे आए के मारी दाने घर में टंगिया से, मतलब कुछ बड़ा विवाद नहीं, कौनो बात ही ना रहा लिए, चीज को लेकर झंझट किए थे उनको, दोनों आपस में लड़त रहना है, अक्के में खात पियत रहनी है, खेत काम धंधा को लेक में होता है। आई इतनी बड़ी हमारे साथ है घटना का ही दहना है, और का बोला था धोखा में। हाँ भाई हमारे बहन ने पूछ लिया, अब बहन ही हमार बताई है। अच्छा ये भी बहन भी थी? हम गए उठा के पटक दिलाना, हमारे मम्मी को मिलाना, हमारे भैया को मिलाना, हमारे सारी परिवार के मिलाना, और हमके उठा के पटक दिलाना, फांसी जाए लेके भाग जाब। और नहीं हमारे बेटी से पूछा, बेटी हमार खुद बताई। हाँ ऐसा गरिया बतराना जैसे हमार मम्मी बतौनी है। किस तरीके से बात कर रहा था वो? हाँ अच्छे लाल से वहां देहनी, अच्छे लाल कहना कि का बोला था बोलबू तब तुहरो गाड़ी हम डार के उलाठी दी। हाँ अब हम अपने लाल के लगे जाते हैं।
परिवार के लोग थे जिनसे मैंने बातचीत किया, लेकिन ये परिवार के लोग हैं जो अभी भी पूरे तरीके से सहमे हुए हैं। अब आप क्लोज कर लीजिए। इनके अंदर पूरे तरीके से वो भय बना हुआ है, पूरा डर बना हुआ है कि कहीं फिर ऐसे किसी घटना को अंजाम ना दे दे वो, क्योंकि अपराधी जो है मेन आरोपी है वो फरार है। और इस गांव के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो इस गांव के प्रधान हैं वो भी फरार हैं, और गांव के लोगों का ऐसा आरोप है कि वो प्रधान भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं। लेकिन फिर भी जो है डीएम साहब यहां पर आए हुए थे, जिलाधिकारी महोदय, जिन्होंने इस मामले को पूरे तरीके से संज्ञान में लिया है और उस आरोपी के ऊपर उचित कार्रवाई करने की उन्होंने आश्वासन दिया है।